बदलते वक्त के साथ मनचाहा सामान घर बैठे कभी भी आसानी से मंगवाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन लोगों के लिए भले ही काफी सहूलियत भरा साबित हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड से खुदरा व्यापारी काफी परेशान है। कई व्यापारी संगठन इसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में जब हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने इस बारे में अयोध्या के व्यापारियों से जमीनी हकीकत जानी चाहिए तो व्यापारियों ने बताया, दुकानें खाली हैं, कोई भी कस्टमर नहीं है। आजकल लोग घर बैठे ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग से व्यापार बहुत प्रभावित है। साथ ही सभी दुकानदारों और व्यवसायियों ने सरकार से जल्द ऑनलाइन ट्रेडिंग पर कोई बड़ा कदम उठाने की अपील की है, जिससे लोकल वेंडर्स को और नुकसान ना हो। इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग लोगों के लिए आसान बनता जा रहा है, जिसको लेकर छोटे व्यापारी काफी परेशान दिख रहे हैं। कई व्यापारी संगठन इसकी आवाज़ भी उठा रहा है। हम आज अयोध्या के व्यापारियों से यह जानने का प्रयास करेंगे और यह जानेंगे कि आज का व्यापारी क्या चाहता है। ट्रेडिंग की वजह से जो है व्यापार पूरी तरीके प्रभावित है। हम लोग का रिटेल बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। हम लोग के खर्चे डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं और उस हिसाब से जो है कंज्यूमर का फ्लो नहीं रह गया शॉप पे। गवर्नमेंट आए दिन हर चीज़ का रेट इंक्रीज़ करती चली जा रही है। सारी मार सारा पेमेंट हम ही लोग को रिटेल दुकानदारों को करना पड़ रहा है। ऑनलाइन जो ट्रेड चल रहा है, ऑनलाइन सेल है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो बिक रहे हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रोक किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए, जिससे हम लोग जो है कहीं ना कहीं प्रमोट हों। स्थिति आप देख ही रहे हैं, पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। यहाँ से लेके आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी मार्केट में जाएंगे तो व्यापार की स्थिति, खासकर खुदरा व्यापार रिटेल, बहुत बुरी तरह प्रभावित है। और जब तक सरकार इसके अगेंस्ट कोई बड़ा कदम नहीं उठाती तो इसमें सुधार आने की कोई उम्मीद है नहीं है कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यापारी समाज नहीं कर पा रहा है। जो किराए पे हैं उनको अपनी दिक्कत है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो जब तक सरकार कुछ बड़ा इस पर प्रभावी कदम उठाएगी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है, चाहे वो हमारे ट्रेड का हो चाहे किसी ट्रेड का हो, ऑनलाइन पे लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से मार्केट में कोई वॉकिंग नहीं हो रही है, कोई आ जा नहीं रहा है। जैसे लगभग 3:45 बजने को है, अभी तक हमारे यहाँ बोनी नहीं हुई, कोई कस्टमर पूछने नहीं आया कि क्या है, क्या आप बेच रहे हो, किस लिए दुकान खोले हो, क्या नहीं है। व्यापार बहुत ज़्यादा मंदा है ऑनलाइन की वजह से। जितना भी ये साइट चल रही हैं, चाहे मिंत्रा हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सब ने जितने लोकल दुकानदार हैं जो गली में बैठे हैं, जो चार चार लड़के रखे हैं जिनका खर्चा है, हम सब तो खाली बैठे हैं। सिर्फ ऑनलाइन में आदमी ऑर्डर कर देता है, वहीं से ऑर्डर आदमी के घर पहुँचा देते हैं ये लोग। सरकार को चाहिए कि इसको महंगा करें और यहाँ अपना जो हम लोगों के पास है कस्टमर यहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो, जब उनको ऑनलाइन पर महंगा मिलेगा तो वो यहाँ पर परचेजिंग करेंगे। अब हम लोग सुबह से खाली बैठे हैं, 3-3 लड़कों का स्टाफ है, हम अगर 1 रुपये भी नहीं कमाएंगे तो हमें 15,000 रुपये महीने की सिर्फ तनख्वाह देनी है, उसके बाद बिजली का बिल देना है। हम व्यापारियों से पूछिए कितनी प्रॉब्लम है, GST देना है, सब देना है, ऑनलाइन को क्या देना है, ऑनलाइन को कुछ नहीं देना है। ऑनलाइन से तो बहुत प्रभाव है। ऑनलाइन जब नहीं था तो व्यापार तब भी अच्छे चलते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन आया है व्यापार की कंडीशन गड़बड़ है। हर आदमी घर पर बैठ के ऑनलाइन से माल मंगाना चाहता है, जाके दुकानों पे ख़रीदारी करनी चाहिए, लेकिन फैसिलिटी की वजह से वो घर पे ऑनलाइन परचेज करना चाहता है। इसलिए हर आदमी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वाले आपके दुख में सुख में साथ नहीं रहेंगे। जो व्यापार है, जो लोकल है, लोकल बिजनेस है, वही आपके साथ देंगे। इसलिए हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि इस पर सरकार ध्यान दे और ऑनलाइन कम से कम हो, उस पर रोक लगाई जाए। ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है बिजनेस को, और कस्टमर मार्केट में निकल ही नहीं रहा है, वो ऑनलाइन ही सर्च करता है। इतनी सुविधाएं हो गई हैं, कैश ऑन डिलीवरी मिल जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो जा रही है, रिटर्न भी ले रहे हैं, हर तरीके की सुविधा दे रहे हैं। प्राइसिंग भी जो है वो कंपनियां वहां पे इतना काट पीट के दे रही हैं, हम लोग को प्राइसिंग ही नहीं मैच कराना मुश्किल हो जा रहा है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो है वो इस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पे, ताकि जो है कस्टमर मार्केट में निकलें और मार्केट भी ग्रो करे साथ में। नहीं तो जैसी पोजीशन चल रही है, इस पोजीशन में तो हम लोग को सर्वाइव करना मुश्किल हो जा रहा, खर्चे निकालना मुश्किल हो जा रहा, किराया निकालना मुश्किल हो जा रहा।
बिजनेस चल रहा है, इससे हम लोग के छोटे दुकानदार जितने भी हैं लोकल वाले सबका बिजनेस कम से कम 60% डाउन है। इससे जो है ऑनलाइन से हम लोग का नुकसान बहुत हो रहा है, इसको सरकार को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो छोटे व्यापारी जी नहीं पाएंगे। बस और क्या कहें, सब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन खरीद ले रहे हैं, व्यापारी पर हम लोग के पास आ ही नहीं पा रहा है कोई, बैठ के जो है धूल फाका करते हैं खाली, धूल वही चीज़ मिल रही है आजकल, पैसा तो मिले नहीं रहा, व्यापार गहे गए देखो सन्नाटा है एकदम, गहे गा ही नहीं रहे, सब ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है। वहीं उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री रमेश चौरसिया ने बताया कि व्यापार मंडल पिछले कई सालों से ऑनलाइन ट्रेडिंग के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, इसके लिए सरकार को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन और व्यापारियों का संगठन बनाकर मिलकर काम करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ऑनलाइन के लिए विगत कई वर्षों से जो है संघर्षपूर्ण है और सरकार को भी ज्ञापन दिया है। अभी हम लोग लखनऊ में व्यापार मंडल की मीटिंग थी, वहाँ भी ज्ञापन दे के आए हैं। इससे छोटे व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान दे है, तो छोटा व्यापारी छोटी पूंजी लगा के गांव गांव बैठा हुआ है और ऑनलाइन ऐसी चीज़ है, ऑनलाइन हर जगह पहुँचा दे रही है, गाँव गाँव में पहुँचा दे रही है, तो दुकानदार छोटे दुकानदार तो मर गया है। छोटे दुकानदार लोग हमने कितनी बार शिकायत हमसे करते हैं, हम लोग ये शिकायत DM के माध्यम से सरकार को कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऑनलाइन तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि इतनी आबादी इतने लोग यहाँ पे हों, जागरूक हों, वो हों, लेकिन अब बच्चे आज के नए बच्चे हैं, नए बच्चे मोबाइल देते हैं, इतना ज़्यादा मोबाइल में लुभाना देते हैं, जो कहते वो होता भी नहीं है, तभी बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन के अंदर अगर ऑनलाइन की अगर वाकई हकीकत देखी जाए तो टोटल फ्रॉड है, दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है, लेकिन आज के नए बच्चे इसमें से पागल हो गए हैं, एडवर्टाइज जमाना है, इधर फंस जाते हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन तोड़ बंद कर देना चाहिए। गौरतलब है कि जहां एक तरफ केंद्र में PM मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी सरकार में चौमुखी विकास हो रहा है, GST के माध्यम से व्यापारियों के योगदान से विकास की गति आगे बढ़ी है, तो वहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग से व्यापार दिन प्रतिदिन प्रभावित हो रहा है, जिसका सीधा असर व्यापारियों और लोकल दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारियों द्वारा लगातार मांग रखी जाती रही है ऑनलाइन ट्रेडिंग और व्यापार के रेट में एकरूपता लाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।